हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मसाले वाले करेले चिप्स। इस मसाले वाले करेले चिप्स बनाने के लिए हमने करेलों को इस 3 स्लाइस कट कर लिया है और इसको मसाला लगा लेंगे। इसके लिए हम बोल में डाल लेते हैं इस चिप्स को और इसके अंदर डाल लेंगे हम हल्दी और मसाला, अदरक लहसुन धनिया का पेस्ट और इसके अंदर 1 चम्मच बेसन डाल लेते हैं, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा डाल लेते हैं और इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। कॉर्नफ्लोर आटा डालने से क्रिस्पीनेस आ जाएंगे और इसको मिला लेने के बाद हम इसके अंदर 4 चम्मच फूड कलर डाल लेते हैं और स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। नमक डाले हैं तुरंत ही इसको तेल में तल लेना है, नहीं तो नमक मैचरेज छोड़ेगा करेले में। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इनको तल लेते हैं। इसके बाद हम तेल हीट पे रख लिया था पहले ही, मिलाते वक्त ही तेल हीट हो गया है और इसके अंदर डाल लेते हैं इन मिला ही ये करेले चिप्स को। इस तरह से जुदा करते हुए उंगलियों से इनको करेले चिप्स को डाल लेना है। तल लेने के बाद हम लो फ्लेम में रख के इसको क्रिस्पीनेस आए तक तल लेंगे। देखिए हमारे करेले बन गए हैं और इसको साइड पे कर लेते हैं। दूसरी दवा भी डाल लेते हैं हम इस तरह से स्लाइस स्लाइस को उंगलियों से जुदा करते हुए डाल लेना है। ऐसे ही डालने से ये क्रिस्पीनेस नहीं बनेंगे और जुदा नहीं होंगे करेले कड़ी में। और इसको भी हम हलाते हुए इस तरह से लो फ्लेम में रख के तल लेते हैं और इसको फिर से काट लिया है हमने। देखिए इतने सारे करेले बने हैं हमने लगाए हैं मसाले से और क्रिस्पीनेस आए हैं ये, आप सुन सकते हैं आवाज़ को। और इसके अंदर हम डालेंगे मसालों को। इसमें हम गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल लिया है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और स्वादिष्ट रेसिपी रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।